हेलो बच्चों, लेट कंसीडर दिस क्वेश्चन. से ए मैन विशिंग टू गेट ए पिक्चर ऑफ ज़ेब्रा फोटोग्राफ्ड ए वाइट डंकी आफ्टर फिटिंग ए ग्लास विद ब्लैक स्टिक ऑन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कैमरा. ठीक है, द इमेज विल लुक लाइक ए वाइट डंकी ऑन द फोटोग्राफ. ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फोटोग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दी जिसमें ज़ेब्रा फोटोग्राफ डंकी आफ्टर फिटिंग ए ग्लास विद ब्लैक स्टिक. मैंने इसमें ब्लैक स्टिक डाल दी. ओके बच्चों, आपको बता दें, ब्लैक स्टिक जब इससे होके किसी भी तरीके का कोई रेज पास होती है तो रेज पास होने के कारण जो उस रेज की इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है. रेज की इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना. ओके, सिर्फ उसकी रेंज, जो इंटेंसिटी की रेंज है वो ही कम होती है. ओके, जैसे एक सपोज दैट आपने एक ग्लास देखा है, मैंने एक लेंस लिया, लेंस को एक साइड में मैंने ब्लैक कर दिया. अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट इसमें शो होगा बट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. ऐसी सिचुएशन में हम इसके सारे पढ़ते हैं, द इमेज विल लुक लाइक ए वाइट डंकी ऑन द फोटोग्राफ. हमारा द इमेज विल, ये हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट है, जो हमारा फर्स्ट वाला है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है ना. ओके, सेकंड वाला द इमेज विल बी लुक लाइक ए ज़ेब्रा ऑन द फोटोग्राफ, नहीं ये इनकरेक्ट है. द इमेज विल बी मोर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कम होती है, मोर ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना. ऐसी कंडीशन में द इमेज विल बी लेस इंटेंसिटी, ये हमारा ठीक है. एक्चुअली इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं वो ए और डी करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.